तो ओनली बाइक्स में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो है व्लॉग। और आज वो दिन फाइनली आ गया जब हम जा रहे हैं हमारी NS200 की डिलीवरी लेने के लिए। रेड और वाइट कलर में बहुत कन्फ्यूजन थी तो हमने फाइनली रेड कलर बुक किया है। मतलब आरएस लेना था, आरएस या XMR में चॉइस थी कि दोनों में से क्या लेना है। बट उसका बजट बहुत ज़्यादा ही था, 2 लाख के ऊपर हो रहा था, 2-10 के भी ऊपर हो रहा था। तो फिर सेफ साइड के लिए NS सोच के रखा था। तो ऐसे ही मतलब मैं बात कर रहा था मेरे दोस्तों से, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मैं NS ले रहा हूँ। ऐसे ही मतलब मैंने बोल दिया कि हाँ मैं NS ले रहा हूँ। और फिर भाई अचानक से मतलब एक हफ्ते बाद भाई मैं शोरूम में बैठा और मैं बुकिंग कर रहा हूँ। घर पे भी मतलब अचानक से मतलब सब लोग बहुत सीरियस हो गए कि हाँ भाई गाड़ी लेनी है। और फिर सोच के तो रखा था भाई बजट सब मेरे को पता है कौन सी गाड़ी कितने की आती है। तो फिर भाई शोरूम पे पहुंच गए हम लोग और बुक हो गई। फिर तो रेड कलर हमने फाइनली बुक की है और अभी हम लोग जा रहे हैं मिठाई लेने के लिए। तो अभी 10:36 हो रहा है तो अभी मिठाई लेंगे, 12 बजे की डिलीवरी है। तो मिठाई लेने के बाद डायरेक्ट आपको मैं भाई कल्ला पे मिलता हूँ शोरूम पे। यो वेलकम गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम आ गए बजाज। बजाज क्यों आए उसका एक कारण है, क्योंकि आज मैं इधर एक बहुत ही ऑस्पिशियस चीज़ के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरा एक बहुत ही प्यारा दोस्त ले रहा है गाड़ी और ये दोस्त कोई और नहीं है, सैम है। हाय गाइस, आज हम लेके NS200 फाइनली फर्स्ट बाइक। उसके साथ सैम का भाई भी है जिसका नाम सीड है। स्पेशल डे। तेरा ही बाइक है ना, लेकिन पर अभी एक डिस्कस हुआ है कि ये इसको चाबी नहीं देगा, फिर भी मैं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, अभी ये मीठा मीठा बोल रहा है, अभी ये वीडियो है अपने पास, आज देगा बोला है, बस खत्म। अभी तो हाँ, तेरे पास भी रहेगी भाई, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ चाबी रहेगी। देख सिर्फ चाबी, गाड़ी नहीं बोला वो, चाबी तो दो है। चाबी तो दो है ब्रो, एक चाबी तेरे को हाथ में दे सकता है वो सैम। हम लोग ने तेरे को पकड़ लिया गाड़ी की डिलीवरी के पहले ही। गाड़ी दूंगा, गाड़ी भी गाड़ी यार, थोड़ी मेरी अकेले की गाड़ी है यार। देख देख शक्ल देख कैसा बना है, देख बोलते वक्त। हां इसकी भी गाड़ी है यार, जानते बोल रहे तू समझे ना। चलो गाइस, तो हम लोग डिलीवरी लेते हैं, अभी देखते हैं कैसा क्या सीन होता है आगे, और हम लोग मिलते हैं, स्टे ट्यून। और गाड़ी कुछ किधर गई, कुछ ऐसे है, पर जान दो, ज्यादा मत देखो, मिलो गाड़ी दिखाते। बाय गाइस, मैं आपका स्वागत है और आज हम लोग आए बजाज। तो हम लोग आज फाइनली बाइक की डिलीवरी लेने आ गए हैं। हम हैं भाई कल्ला में अभी, और जो बाइक है वो है हमारी NS200 रेड कलर में है। और अभी मैं इसका रिव्यू नहीं देने वाला हूँ, ये जो वीडियो है ये पूरी मतलब डिलीवरी ब्लॉग के ऊपर है। तो अभी हम लोग मतलब वेट कर रहे हैं हमारे बहुत ही स्पेशल पर्सन का, और हम लोग आज मचाने वाले पूरा मतलब गाड़ी सेम है। हाँ भी लेना, ये देखते रहिए, हम आपको अभी बताएंगे। हमारा इसको चाबी ये देगा जरूर। हनुमान दादा की लगा।
आ रहा आ रहा आ गया आ गया आ गया। तो हम लोग ने ले लिया है गाड़ी की डिलीवरी और गाड़ी को चलाए हुए हमें हो गए अभी 3 दिन हो गए हैं गाड़ी को चला के। और मैं एक बार दिखा देता हूँ हमारी गाड़ी कैसी दिख रही है इस वक्त। ये देखो भाई, ये देखो भाई, रेड कलर क्या शानदार लग रहा है यार। एक बार तुम लोग ज़रा चेकआउट करो, मैं वाइट और रेड में कन्फ्यूज़ था बट अभी ऐसा लग रहा है मैंने सही डिसीजन लिया है। और तुम लोग ज़रा एक बार देखो यार, क्या चमचमा रही है यार। थोड़ा इसको मैंने अभी कपड़ा नहीं मारा है और पूरी गाड़ी आप देख सकते हैं अभी कैसी लग रही है। एंड भाई कला से लिया, राज बजाज से लिया। अगर आपको भी कोई बजाज की बाइक लेनी है मुंबई में हो तो राज बजाज एक बार ज़रूर चेकआउट करना। और अभी आप देख सकते हो कि जो गाड़ी है हमारी वो, ये देखो कितना किलोमीटर चली है। ये चाहिए पूरा इग्निशन है, 137 किलोमीटर अभी चल चुकी है गाड़ी। एंड इसका सिर्फ एक ही सीन है, देखो इसकी चाबी देखो एक बार। मैं पूरा व्लॉग में बोलते रहता था ये आपके सपनों की चाबी, ये आपके सपनों की चाबी, आज मेरे हाथ में है चाबी, ये देखो। मैं बोलते रहता था ये है आपके सपनों की चाबी, आज हाथ में चाबी है। तो इसका मेरे को बस एक ही अभी सीन लग रहा है। देखो इसका सीन ये है कि यार इसका जो अभी कूलेंट है ना वो मिनिमम पे है और थोड़ा फॉगी भी हो गया अंदर। फॉगी तो नहीं बोलूँगा बट कल फॉग हो गया था इसमें। एक बार फोकस में कर लेता हूँ, ये देखो ये जो है मिनिमम पे। एक बार मेरे को देखना पड़ेगा कि इसमें कूलेंट डलवाना है कि नहीं डलवाना है। बहुत लोग बोल रहे थे ऑनलाइन कि डलवाना पड़ेगा कूलेंट। एक बार आप बाइक ना पूरा चेकआउट कर सकते हो कैसी बाइक लग रही है। ये है वाइन रेड कलर है ये, सच में इसका नाम वाइन रेड है। यहाँ से आप देख सकते हो स्ट्रिप जा रही है, देखो फील कर सकते हो आप यहाँ पर ना, मतलब एक स्ट्रिप है, वाइट कलर की स्ट्रिप है। यहाँ पर पीछे आपको NS की ग्राफिक्स मिल जाती है, ये देखो NS 200 की पीछे ग्राफिक्स मिल जाती है। ये पिलियन का ग्रैब हैंडल आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सीट देखो यार, ये देखो बहुत कंफर्टेबल सीट है। ये मैं एक बार हेलमेट हटा देता हूँ, ये राइडर की सीट है। उसके बाद इसकी फिनिशिंग मेरे को थोड़ी अच्छी नहीं लगी है, देखो आप देख सकते हो इसकी फिनिशिंग थोड़ी अच्छी नहीं लगी है। 3D में पल्सर मिल जाता है, बहुत ही सेंसिटिव है ये, ध्यान से इसको आपको वो करना है। E20 फ्यूल कंपैटिबल है, नया मॉडल है एकदम। उसके बाद मिरर की फिनिश देखो, रबड़ फिनिश में आते हैं हमारे मिरर्स। उसके बाद और इसका मेरे को एक वीक पॉइंट ये लगा है कि ये देखो अभी ना वीक पॉइंट इसका चाबी मेरे को डालना पड़ेगा। इसका एक और एक वीक पॉइंट मेरे को पता है क्या लगा कि अभी मैंने ना, ये देखो ये चाबी लगता है गई नहीं। हाँ इसको एक बार मैं पीछे कर देता हूँ, इसको लगता है चालू नहीं होनी। ये देखो ये जो है ना इसका, एक बार मैं इंडिकेटर देता हूँ, ये एक बार चालू। ये देखो अभी जब मैंने इंडिकेटर दिया ना तो ये दोनों चल रहा है, अभी ये दोनों चल रहा है। अभी इंडिकेटर मैंने किधर का दिया है, इंडिकेटर मैंने यहाँ का दिया है। तो अभी अगर मैं कॉन्सोल में देखूंगा ना, अगर गलती से मैंने इंडिकेटर गलत दिया रहा है तो कॉन्सोल में मेरे को समझ में नहीं आएगा कि मैंने इंडिकेटर कौन सा दिया है। तो एक मेरे को ये इसका वीक पॉइंट लगा, बाकी तो मतलब मेरे को लाइट वाइट नाइट राइड के रिलेटेड कोई दिक्कत तो आई नहीं है। और मैंने अभी राइडिंग ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास अभी गोप्रो वोप्रो का सेटअप नहीं है, इसलिए मैंने राइडिंग ब्लॉग अभी तक बनाया नहीं है। वरना मैं आपको पूरा राइडिंग ब्लॉग भी करके दिखा देता था एंड आप चेकआउट कर सकते। ये देखो अगर ये वाइट में रहता तो और मज़ा आ जाता, अगर ये 200 जो है ना वाइट में रहता ना तो बहुत मज़ा आता। आप लोगों के लिए मैंने एक चीज़ बचा के रखी थी जो मैंने अभी तक नहीं की है, देखो ये मैंने निकाला नहीं था तो आप लोगों के सामने मैं निकालता हूँ। और ये सेटिस्फेक्शन आप देख सकते हैं, आय हाय हाय, ये आप लोगों के लिए मैंने नहीं निकाला था तो अभी निकाल रहा हूँ। अभी देख सकते एकदम ब्रांड न्यू बाइक है। उसके बाद ये आप फ्रंट लुक देख सकते हैं। मेरे को ना मतलब लाइट रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं है ना, मेरे को इंडिकेटर रिलेटेड दिक्कत है, मेरे को बस उसके रिलेटेड दिक्कत थी इंडिकेटर रिलेटेड, तो मैंने बोल दी। और पीछे भी देख सकते हो ना, ये देखो एक लाइट दी है, ये देखो ये लाइट है, मतलब नंबर प्लेट के ऊपर ना लाइट जलेगा आपके। बट वो फीचर ट्रैफिक हवलदार लोग के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, वरना ट्रैफिक हवलदार लोग पता है आपको कैसे रहते हैं। और पीछे का सस्पेंशन आप देख सकते हो, सस्पेंशन भी इसका काफ़ी मुझे अच्छा लगा, मैंने जितना सिटी में राइड किया ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जो टायर रिलेटेड जो लोग बोलते हैं कि इसका टायर में कॉन्फिडेंस नहीं आता, ग्रिप नहीं मिलती है, देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ MRF के टायर मेरे को मिले। अब आपको कहते पता नहीं कौन से टायर मिले, मेरे को तो MRF का टायर मिले। अभी इसमें स्टॉक टायर MRF के आते हैं, किसके आते हैं मुझे नहीं पता, बट मुझे ग्रिपिंग वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। इसका जो ग्रिप है मुझे एकदम प्रॉपर लगा है। सिटी में मैंने चलाया, मैंने थोड़ा कॉर्नरिंग भी की है, मेरे को ग्रिप वाइज तो इसके टायर एकदम अच्छे लगे हैं। और कभी भी ऐसा लगा नहीं कि यार स्किट होगा या कुछ होगा। तो मुझे जो मतलब बहुत सारे मैंने व्लॉग देखे थे लेने से पहले, वो लोग बोल रहे थे कि यार इसका जो टायर का है वो मतलब स्किट होता है, आपको अपोलो H1 Alpha या वो सब लगाना पड़ेगा। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा कुछ। डबल स्टैंड भी मिल जाता है आपको इसमें,
एंड ट्रिपल स्पार्क इंजन है, DTSI का है। और ये देखो वाइट में स्ट्रिपिंग है, यहाँ पर ग्रे में स्ट्रिपिंग है। ये भी मेरे को लगता है वाइट में देना चाहिए था तो अच्छा लगता था। और NS नहीं है ये, बराबर मेरे को लगा। उसके बाद ये आप देख सकते हैं राइडिंग व्यू, एक बार दिखा देता हूँ आपको कैसा लगता है राइडिंग व्यू। ये देखो ये राइडिंग व्यू है, अभी वो हिलेगा नहीं टायर क्योंकि नीचे वो खड़ा है, वो इसलिए नहीं हिल रहा है। ये राइडिंग व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। ये था मतलब मेरा आज का वीडियो। और मैंने मतलब अभी एक बार इसका मेरे को कूलेंट का देखना पड़ेगा कि कूलेंट इसका बनाना है कि नहीं, मतलब कूलेंट में इसको रिफ़िल करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि फ़र्स्ट जो सर्विसिंग है वो हमारी है 500 के ऊपर, 500 और 750 के बीच में फ़र्स्ट सर्विसिंग होती है फ्री। थर्ड थ्री सर्विसेज आपको फ्री मिल जाती है इसमें, स्पीड वाइज, पिकअप वाइज, ट्रैफिक में चलाने के लिए, सिटी में, हाईवे पे, मतलब ऐसा तो आपको फील नहीं आएगा कि पावर लैग है या फिर ब्रेकिंग इसका बेकार है, सब ही अच्छा है। और लेना था मेरे को RS या फिर XMR मुझे लेना था, बट अभी उसमें क्या हो गया था कि उसका बजट बहुत ही ज़्यादा था, तो मैंने ऐसा सेफ साइड के लिए सोचा था कि NS लेंगे और NS ले लिया तो बहुत अच्छा लग रहा है। सपनों की चाबी मैं आपको दिखा चुका हूँ कैसा है सपनों की चाबी। और अगर इसका मुझे अगर कूलेंट रिफ़िल करवाना पड़ता है, अभी मिनिमम पे, एकदम मिनिमम डॉट मिनिमम पे अगर मुझे कूलेंट इसका रिफ़िल करवाना पड़ा तो उसका मैं व्लॉग सेपरेटली डालूँगा। एंड कैसा लगा आपको व्लॉग मुझे कमेंट करके बताना। एंड आज मेरी शायद मेरे सब्सक्राइबर जो है आज के टाइम में वो है 406 है, 406 सब्सक्राइबर है। तो जब मेरे पास ये बाइक आई है तब मेरे पास 406 सब्सक्राइबर है। तो जब अभी देखते हैं बाइक के साथ में कितना हमें लंबा सफ़र तय करते हैं और हमारी सब्सक्राइबर काउंट कितना और बढ़ते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इतना अच्छा अच्छा कंटेंट मैं ला रहा हूँ, मैंने अपनी मतलब यू नो ये इतनी स्पेशल चीज़ मैंने अपनी YouTube फैमिली के साथ शेयर की है और अभी तक किसी को बताया है नहीं कि हमने लिया है बाइक। तो जब ये व्लॉग आएगा तब पता चलेगा लोगों की, अच्छा ये बाइक हमने ली है। कोई भी आपको क्वेश्चन हो बाइक रिलेटेड आप बिंदास पूछना। और हाँ, अभी तो मुझे माइलेज नहीं मिल रहा है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, अभी मुझे माइलेज नहीं मिल रहा है। अभी पता नहीं, फर्स्ट सर्विसिंग के बाद मेरे को माइलेज मिले, अभी शायद मेरे को लग रहा है कि बाइक 25 का माइलेज दे रही है। अभी करंट सिचुएशन में बता रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता बाइक अभी मेरे को 30 के ऊपर दे रही है। तो जो भी आपको NS200 रिलेटेड दिक्कत है या फिर आपको लगता है कि यार ये चीज़ टेस्ट करनी चाहिए, आपको भी लेना है NS200 और आपको लगता है कि यार ये चीज़ कैसी है मुझे ज़रा बताओ, तो मैं वो बताऊँगा आपको। तो ज़रा सिर्फ प्लीज़ कमेंट कर देना कि हाँ मेरे को ये चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा उसके ऊपर वीडियो। टायर्स का मैंने था, मैंने टायर्स का बता दिया। तो फिर ऐसा कोई भी आपके अंदर डाउट वाउट रहेगा तो मुझको बता देना। कैसा है? अच्छा, तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को फॉलो करना। एंड तब तक के मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।